नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPS कोचिंग क्लासेस पर। अजमेर संभाग के विज्ञान विषय के जो है पदस्थापन आदेश आ चुके हैं। जैसा कि आपको पता है, हाल ही दिनों में इनकी काउंसलिंग हुई थी तो पदस्थापन आदेश नहीं आए थे। 26/8/2020 से 27/8/2020 तक आयोजित परामर्श कैंप में उपस्थित होकर पदस्थापन हेतु विकल्प प्रस्तुत करने पर संलग्न सूची में अंकित आशार्थियों को द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के अनुसार वेतन लेवल 11 में, ये वेतन के लेवल होते हैं, जैसे कि जो थर्ड ग्रेड टीचर होता है उसका लेवल 10 होता है, उसके बाद ये सेकंड ग्रेड का लेवल 11 होता है। तो वहाँ पे वो प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में 2 वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय मानदेय रुपये 26,500 रुपये प्रति माह, पूर्व से सेवार्थ होने की स्थिति में विद्यमान वेतन पर नियमानुसार नियुक्ति पर पदस्थापन किया जाता है। हमें कुछ चीज़ों को और भी जान लेना चाहिए जिनको नहीं पता, वैसे तो सभी जानते हैं मोस्ट ऑफ, मगर कुछ लोगों को ऐसे नहीं पता होता कि जैसे जो पहले से किसी भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर है तो अगर वहाँ उनका प्रोबेशन पूरा हो गया और वहाँ उसके बाद फिक्स होने के बाद, पक्के होने के बाद जो उन्हें सैलरी मिल रही होती है, तो जब अपने दूसरी जॉब में, उससे बड़ी जॉब में जाते हैं तो प्रोबेशन के अंदर सैलरी थोड़ी कम होती है। तो बाद में जो पूछा जाता है कि आप अपनी पुरानी सैलरी लेना चाहते हो या नहीं, तो डेफिनेटली जो ज़्यादा होगी अपने वही लेंगे क्योंकि पिछली जॉब में आपने प्रोबेशन पूरा किया है। तो ये यही बात कह रहा है कि अगर फ्रेशर हैं या किसी की प्रोबेशन पिछली जॉब में पूरी नहीं हुई है तो उनको तो 26,500 रुपये फ्रेशर जो है उनको, और जिनके पूरा हो गया है परिवीक्षा काल दूसरी पहली वाली जॉब में तो उनको उसका वेतन मिलेगा जो उनका फिक्स होने के बाद था। ठीक है जी, ऐसे कई कैंडिडेट्स होते हैं जो थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड जा रहे होते हैं या और किसी जॉब से सेकंड ग्रेड में जा रहे होते हैं सिलेक्शन होके, तो ये आपको बताना था। और दूसरा, 15 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है, कैजुअल लीव, ठीक है, और वो भी आपका 1 महीने पूरा होने के बाद वो 1.25 सवा CL बनती हैं। तो अपने को 15 दिन की CL मिलती हैं और वो भी 1 कैलेंडर वर्ष में, वो कैलेंडर वर्ष पता चल जाएगा आपको जब आप स्कूल में जाएंगे। और दूसरा, आपको जो कार्य ग्रहण करने की लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है, तो आप लेट मत करना, आप कार्य ग्रहण कर लेना। इसमें पूरा लिखा हुआ है, ये सभी आप पढ़ भी लेना, कौन कौन से आपको साथ में कागज़ लेके जाने हैं। अभी भी अपने को वही प्रमाण पत्र और स्टैम्प वगैरह लेके जाने ही जाने हैं, विवाह पंजीयन जिनका नहीं हुआ है, हुआ हुआ है जो भी 2002 के बाद, जो संतानों का विवरण है तो वो भी अपने को देना है। यहाँ पे ख़त्म होता है सारे दिशा निर्देश और यहाँ से जिनका सिलेक्शन हुआ है वो शुरू होता है। ये देखिए, इनके पदस्थापन जो स्थान है जो आपने चूज़ किया था अपने काउंसलिंग के अंदर वही होंगे। पहले कैंडिडेट हैं मेरिट क्रमांक मीरा लामरोर, 955 मेरिट क्रमांक है इनका। देखिए, नागौर में इनका स्कूल इनको मिला है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये आपके पदस्थापन आदेश ही हैं जिसको आपने 30 सितंबर 2020 तक आपने ग्रैंड करना है, नहीं तो ये स्वतः निरस्त हो जाएगा, ऊपर लिखा हुआ है। दोबारा आपको मौका नहीं दिया जाएगा कि हम वहाँ पे ज्वाइन कर लें। मैं बहुत इसको आराम से स्क्रॉल कर रही हूँ, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और विभाग की वेबसाइट पर भी ये अपलोड है पदस्थापन आदेश, ये आपको साथ में लेके जाने हैं और आपको अपनी वही डॉक्यूमेंट वाली फ़ाइल भी लेके जानी है। जिस स्कूल में आप जा रहे हैं अपना ये कार्य ग्रहण करेंगे वहाँ भी आपकी डॉक्यूमेंट की जांच होगी। तो फिर से वो सारी प्रक्रिया करेंगे, तो अपने डॉक्यूमेंट की जांच देख लीजिए, 3 बार हुई। एक बार हम जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अजमेर गए तब, उसके बाद जब काउंसलिंग के लिए आए तब, और अब स्कूल में जाएंगे तब। एक पूरी फोटोकॉपी लेके जाना आप अपने डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि स्कूल में भी एक पूरी फाइल रखी जाती है,
सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए वो। विज्ञान विषय के हैं ये सभी, आपको बहुत बहुत मेरी ओर से बधाई। चार सौ अठारह कैंडिडेट, 418 वो है मेरिट क्रमांक, यहाँ 419 पे शुरू हो रहा है। इस साइड में कैंडिडेट्स की फ़ोटोज़ हैं जिसको मैंने साइड में किया है, वो आप समझ आ रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, पूरा अजमेर जो संभाग है, नागौर आता है इसमें, टोंक आता है, खुद अजमेर जिला। ये आठवां पेज है, टोटल 13 पेज है। फिर मैं कह रही हूँ, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट की कमी पेशी है आप उसको पूरा कर लें एक दो दिन के अंदर, नहीं होता है तो उसके भी जो ऑप्शन होते हैं वो आपको बताएंगे वहाँ पे कि क्या कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट की रह जाता है, रिन्यू नहीं हुआ है तो उसके लिए अपने को क्या करना है तो वो भी आपको बता देंगे। घबराने वाली किसी भी तरह की कोई बात नहीं है, आपके पदस्थापन आदेश आ चुके हैं, बहुत बड़ी बात है, आप जल्दी से जाके कार्य ग्रहण कर लीजिए। ये देखिए, ये 10वां पेज कंप्लीट हो गया है, 11वां पेज अब शुरू हो रहा है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के भी स्कूल हैं बीच में, अजमेर नागौर टोंक के तो आपने देखे। जी, 11वां पेज भी यहाँ कंप्लीट होता है। ये देखिए, तो जहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत आए किसी पेज पे तो आप वीडियो पॉज कर लेना और वीडियो की क्वालिटी को हाई करके फिर आप देखना। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि चैनल पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है, इंग्लिश, हिंदी, ग्रामर, मैथ, साइंस, जो भी अपने प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं वो, और आने वाले हाल ही दिनों में 9 to 12 की जो मैथमेटिक्स है उसकी भी क्लासेस सर द्वारा शुरू की जा रही हैं। तो आप बताएं जिन्होंने 9 to 12 की मैथ्स करनी है, क्योंकि वो मैथ्स हर जगह काम आती है, आपको पता है, अपने फर्स्ट पीरियड के अंदर भी काम आती हैं। ये देखिए, 13 पेज हमारे यहाँ पूरे होते हैं। तो आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जल्दी जाके कार्य ग्रहण करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।